अस्सलाम वालेकुम, चुगताई चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी। इसके पांचे पे डिज़ाइन बनाऊंगी मैं, ऐसे ही बना के लगाऊंगी। और ये मेरा मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है। मैं इसकी कटिंग आपको सिखाती हूँ और फिर इसको सी के बताएंगे आपको। इसमें इलास्टिक लगाएंगे। ये मैंने 12 इंच की इलास्टिक काट ली है। थोड़ी सी इसकी सिलाई चली जाएगी तो ये 11 इंच रह जाएगा, जो मेरा नाप है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आप देखें, मैं आपको ट्राउज़र काट के बताती हूँ। ये मेरी लेंथ है ट्राउज़र की। ये मैंने 2 इंच यहाँ से मोड़ा हुआ है नेफे का, और मुझे रखनी है 38। ये मेरा मोड़ने का है 2 इंच। इसके पांचे हैं, मुझे 7 रखने हैं। मैंने ये 8 इंच यहाँ पे निशान लगा। ये इसका आसन है। ये 15 इंच नेफा मोड़ने के बाद मैंने 15 इंच पे ये निशान लगाना है, और ये हम इसकी कटिंग का निशान लगाते हैं। ऊपर से इसकी जो कटिंग है इसका निशान लगाएंगे। ये 17 इंच पे आ रही है। ये देखिए आप, ये मैंने नेफा अभी मोड़ा नहीं है। इसको मोड़ने के बाद ये आसन 15 इंच रह जाएगा। ये इसकी कटिंग होगी और बहुत आसान है ये। और जहाँ मैंने ये डिज़ाइन बनाना है इस पर मैंने निशान लगा लिया है। ये इसकी मोड़ने के बाद मैंने 4.5 इंच पे इसके मोड़ने के बाद ये मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया है। इसको हम बीच में से अब काट लेंगे। ये हमने काट लिया। अब इसमें बीच में ये जब मैं बनाऊंगी, आपको भी बनाना सिखाऊंगी। ये मैं इसमें इस तरह लगाऊंगी। अब हम आ गए हैं अपनी सिलाई मशीन पे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। और आपको सबसे पहले ये ऐसे ही बनाने होंगे। ये मैंने 2 इंच की पट्टी ली है। मैं इसको इधर से मोड़ के दोनों साइडों से, और इसको इस पर सिलाई करनी है हमें। ऐसी ही पट्टी बनानी है। जैसे इसको रख के इस पर हम एक मोती डाल देंगे। मेरे पास मोती है। ये हमने बना लिए। अब हम सिलाई शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कैसे लगाना है। ये मैंने इसके बना के रखे हुए हैं, और ये मैं पांचे में लगाना शुरू कर रही हूँ। पांचे का मैंने ऊपर वाला हिस्सा ले लिया। पहले आपकी मर्ज़ी है, नीचे का ले लें, ऊपर का एक ही बात है। इस तरह इसको लगाएंगे। ये ऊपर के हिस्से का पूरा हो गया है, मैंने पूरी ये लगा ली है, ये देखें। अब मैं नीचे वाला हिस्सा इसमें जोड़ती हूँ, ये देखिए। अब ये मैं नीचे के हिस्से में लगा रही हूँ, बहुत सिंपल है, बस आराम से आहिस्ता हाथ से इसको पकड़ के सिलाई जाती है। इसको दबाने के लिए ये जो यहाँ पे ये इसको दबाने के लिए हम इसके ऊपर एक सिलाई और चला लेंगे। ये मैंने अभी एक बखिया ऊपर ही चलाया है इसके, एक हम इस वाली सिलाई के साथ चलाएंगे ये बखिया, इसमें फिनिशिंग आएगी और ये टिका रहेगा, अच्छा लगेगा। ये देख ये एक पांचा हमने तैयार कर लिया है, इसमें ये लगा दिए हैं ये जो बनाए थे हमने, और सिलाई इस पे की है ऊपर नीचे देखें आप ये। अब हम इसको मोड़ेंगे यहाँ से और फिर आपको दूसरा पांचा भी हम जब तक तैयार करते हैं, फिर आपको पूरा करके दिखाते हैं। ये हमने बीच का हिस्सा जोड़ लिया है आसन का, दोनों साइडों से ये देखिए, इधर से भी जोड़ लिया और इधर से भी। अब हम इसमें लास्टिक डालते हैं, लास्टिक का तरीका आपको बताते हैं, सबसे आसान तरीका। ये हमने ली थी 12 इंच की लास्टिक, ये इसको पहले बीच में से सी लेंगे। इसको गोल सी लिया है, हम लगाना शुरू करते हैं। ये लास्टिक हमने डाल ली इसमें, ये इसमें कोई जोड़ नज़र नहीं आ रहा है कहीं से भी, आगे से ना पीछे से। अब हम इसमें बीच में बखिया चला देंगे एक, बीच में हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे। इसको थोड़ा सा खींच के बड़े बखिए से इस पर सिलाई करेंगे। सफाई से बनी है और बहुत आसान है। ये हमारा ट्राउज़र पूरा तैयार हो गया है, नीचे से भी हमने ये मोड़ लिया है, इसकी सिलाई चला ली है नीचे और हमने लास्टिक भी डाल रही है। अभी हमारी फाइनली बस ये बीच की सिलाई रह गई है, हम ये सी के आपको फाइनल करके दिखाते हैं। ये हमारा स्ट्रेट ट्राउज़र तैयार हो गया है, इसके बॉटम पे हमने ये खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है, बहुत सिंपल और इजी है, ये आप भी बना सकते हैं।